क्या है? चिखलिया। वो जो रो रही है सीताजी, जो रोल रोल कर रही है, देखो कितना आंखों से आंख है, हो गया ना, और फिल्म खत्म हो गया। हा हू कर रही है। तो ये आंखों से आंसू वास्तव नहीं है, हाजरत है, आता है। और आप भी करा सकते हो, आप ग्राफिक बना दो आंखों से आंसू कितना पड़ जाएगा आपका। हाँ। और क्या, आजकल ग्राफिक में सब होते सब कर रहा है। एक चित्रपट बना दे, ग्राफिक बना दो, आप पे ऐसे लगे बिल्कुल आंखों से आंसू कितना डब 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 करके कितना है। यही तो है कंप्यूटर, तो इसी कहा जाता है वर्तमान कंप्यूटर। क्या है टेक्नोलॉजी के दर पर जरूरत नहीं है, है? कितना कर देते भाव की भी प्रकट कर देते है। चलो कन्हैया जो ये सब जो कर रहे हैं, देखो क्या कर रहे हैं, और आंखों से आंसू जो जो कज्जल मिश्रित होने के नाते मानो गंगा जमुना की धार प्रवाहित हो रहे हैं। गंगा जनी आंखों के आंसू जो सच्चा निर्मल जो अश्रु जो है उसके गंगा की धार, और कज्जल मिश्रित होने से नाते कज्जल मान काजल मिश्रित होने के नाते मानो जमुना की धार प्रवाहित है। भगवान में ये सब संभव है, क्योंकि भगवान है। स्वयं गंगा जमुना मानव प्रभु के सेवा करने के लिए कृष्ण में आंख में उपस्थित हो जाना कोई बड़ी विचित्र बात नहीं है, है कोई विचित्र बात, क्योंकि गंगा जमुना ये तो उनकी सेवक सेविक सेविका के रूप में सेवा कर रही है। इसलिए गंगा जमुना यदि कृष्ण के आंखों में यदि अधिष्ठित होकर के आ जाए और उनके असुर के भांति यदि उसमें कोई दोष नहीं लगता है, किंतु तथापि नरवत लीला होने के नाते दिखा रहा है कृष्ण के आंखों से आंसू, सफेद आंसू जो है वो क्या हो गया, कालवर्ण हो गया, किसी कज्जल से लग करके, क्योंकि कृष्ण जान बुझ करके आंखों के सारे काजल के जो है वो मसल लिया, वो सारे वो भी कृष्ण के सौंदर्य रूप धारण करते हैं। आंखों में काजल लगाने से एक रूप धारण होता है, और कज्जल भी चारी तरफ लग जाए वो भी और एक सुंदर माधुर्य रूप धारण कर लिया है भगवान में। क्यों मैंने पहले कहा दिया था ये कृष्ण के जितने भी अलंकार जो है कृष्ण में आकर के अपने के सौभाग्यशाली मानते हैं। भूषणं भूषणांचम सुखदेव स्वयं पाद भागवत में यही तो वर्णन करते जा रहे हैं। ये इस जगत में कोई स्त्री हो पुरुष हो अलंकार आदि धारण करने से सुंदर जो माधुर्य होता है वो निखर करके आता है, दिखने में सुंदर लगता है, किंतु चित जगत में वो सब अलंकार सब चित वस्तु है, उसमें सब संवेदनशील है, वो जड़ वस्तु नहीं है, क्यों तथापि उसमें क्या होता है, वो कृष्ण के अंग में सुशोभित होकर के अपने की जो है सौभाग्य को मानती है, अच्छा इस जगत में संभव नहीं है। जैसे उदाहरण एक माँ और बेटा जो है पिकनिक करने गए, और पिकनिक चलते जा रहे, बच्चा थोड़ी दूर खेल कूद कर रहे थे, इतने समय बारिश थोड़ी सी बारिश हुई और माँ के सारे मेकअप क्या हो गया, धुल गया। थोड़ी बात में बच्चा आकर के कहने लगे आंटी आंटी मेरा मम्मी कहाँ है, मुझे आंटी क्यों करे, बोले आंटी क्या मैंने मम्मी कहाँ है, अरे मैं तो तू तो जैसे भूतनी लग रहे चुड़ैली ना खेला चुड़ैल तो चुड़ैल लग रहे क्या कर रही और तो माँ तो मेरे कितने सुंदर वो ही था लिपस्टिक से लेकर के ऐसे कितने, अरे बेटा उस समय मैं मेकअप करके ब्यूटी पार्लर से निकल करके आ गई। मेरे कहने की ये तात्पर्य है इस जगत में जितने भी सुंदर सुंदरी हो वो उसी समय कर, और वो समस्त जो मेकअप आदि बात जो कार्य अलंकार दी गए है उसके उस समय क्या करते हैं, धारण करा उसके सुंदर जो है, इसलिए भूषणं भूषणांचम कृष्ण की जितने भी अलंकार जो है कृष्ण में है, कृष्ण शरीर में आकर के उनका अपने को क्या कहते हैं, सौभाग्यवत मानते हैं,
बेसिकली ये संबंध में विस्तृत आलोचना जो है हमारे श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती बाद श्री कृष्ण भावनामृत ग्रंथ में बहुत सुंदर वर्णन किया है। जब राधा जी के स्नान के पश्चात उनके सारे सखियां ललिता विशाखा आदि सारे सखियां राधा जी के एक एक अलंकार के द्वारा उनकी अंग के सुशोभित करते हैं, उस समय एक एक अंग के लगा करके वो भी महिमा को वर्णन कर रही है। देखो बाजू में लगाते हैं बाजू बंधन कहा जाता है, बाजू बंधन होता है ये बाजू में हाथ आर्म में एक प्रकार बंधन होता है उसके बाजू बंधन कहा जाता है। इसके बाजू बंधन के करते हुए कितने सुंदर वो ये राधे तुम्हारे आज बाजू बंधन कैसे सुंदर लग रहे हैं, इसके सुन करके श्रीमती राधिका कैसे मुस्कुरा रही है। संसार में सबसे बड़ी चीज क्या है, मुस्कुराते रहो, क्या रहो मुस्कुराते रहो, ये सबसे बड़ी है। अंदर में जितने भी दुख हो ये दुख के दूसरे के पास बोलो तो लोग हंसी मजाक करेंगे। तुम्हारी इस संसार के नियम है, तुम्हारे दुख के देख करके दूसरे क्या करते हैं, वो सहानुभूति नहीं करते, सिंपैथी नहीं दिखाते हैं, ऊपर से तो साधारण रूप में सिंपैथी दिखाते हैं और कहते हैं अच्छी है, तुम्हारे पास कहेंगे हाँ हाँ तुम्हारे ऐसे हो गया ऐसे हो गया ऐसे होना नहीं चाहिए हाय भगवान हाय ऐसे ऐसे, और फिर दो कदम आगे जाकर के ठीक है मरी नहीं अभी तक है। क्यों ये संसार में लोगों की रीति ऐसे, ऊपर से तो हमें प्रशंसा करते किंतु हमारे आड़ में क्या करते हैं, पीछे से बोलते हैं, पीछे से बोलता रहता है और हम कहने की तात्पर्य है। इसलिए मैं कह रहा हूं ये श्रीमती राधे राधा जी के स्नान के पश्चात जब एक एक सखियां जो कृष्ण राधा जी की जब अलंकार आदि परिक्रमा लगाती है और लगा करके एक एक अलंकार के जो है महिमा वर्णन करते जा रहे हैं। जैसे मैंने उदाहरण दिया, अच्छा चलो एक उदाहरण दे देता हूँ, राधे के गले में सुंदर जो है स्वर्ण हार पहना है, स्वर्ण हार बोलते हैं सोने का, वो क्या बोलते हैं जिंजीर तो बहुत पतली होती है, नेकलेस कह सकते ना, बहुत लंबे नेकलेस होता है वो और स्वर्ण वर्ण होता है पतली होता है, श्रीमती राधे के पहन लिया ऊपर से ऐसे पहना दी और देख करके उसके सैम और सखी जो है पहना करके कैसे वर्णन करते जा रहे, कहते देखो ये श्रीमती राधिके ये मानो शिव जी के जैसे दूध के द्वारा क्या कर दिया जाता है, स्नान कराया जाता है और दूध के धार आकर के जैसे दोनों तरफ प्रवाहित हो रहे, ये राधे तुम्हारी ऐसी सुंदरता है, एक उपमा दे रहे आज उन्हें इतने सुंदर वर्णन होते जा रहे जिस प्रकार, और भी उदाहरण, जिस प्रकार शिव जी के चरण में अपराध करने पर कामदेव भस्मीभूत हो गया, फिर कामदेव जब भस्मीभूत हो गई कथा जानते कि नहीं क्या है बेटा, कि जो मतलब शिव जी जो है ध्यानस्थ के बैठे थे, शिव जी के ध्यान कठोर तपस्या देख करके इंद्र भयभीत हो गए, विचार करने कहीं शिव जी हमारे पद को ना ले ले, इसलिए शिव जी ने किया कि कामदेव के बुलाया है, इस सबसे पुराण भी वर्णन है, कामदेव के कहने कामदेव तुम जा करके जाओ शिव जी के तपस्या के भंग करो, उस समय कामदेव आई कामदेव आए कामदेव आकर के अनेक प्रकार के नृत्य गीत आदि के द्वारा शिव जी के जो ध्यान को भंग किया, शिव जी जब ध्यान भंग हो गया शिव जी क्रोधित हो गए, शिव जी क्रोधित हो गए, शिव जी के तृतीय नेत्र आय से क्या हुआ उगली आकर के कामदेव को कामदेव भस्मीभूत हो गया, तो इसको देख करके उनके पत्नी कामदेव के पत्नी रोती देवी आकर के रोने लगी,
फिर वो बहुत साल तक शिव जी के तपस्या आदि की है। रति देवी ने तपस्या की। कामदेव के पत्नी के नाम है रति देवी। कामदेव तो पुरुष है ना, है इसलिए हम लोग मंत्र में है ना तन अनंग प्रचोदया। अनंग जिसके अंग नहीं है। कामदेव के अंग क्या हो गया? शिव जी के क्रोध रूपी अग्नि से, क्रोधाग्नि से भस्म हो गया। तो रति देवी आकर के शिव जी के बहुत उपासना आदि की, तपस्या आदि की, तब शिव जी प्रसन्न हुए। शिव जी जब प्रसन्न हुए, कहे बार मांगो, बोले हमें पति के वापिस कर दो। शिव जी कहने लगे, मैं तो तुम्हारे पति देव को मैंने भस्मभूत कर दिया। और रति देवी कहे, मैं पति बिना कैसे जी रहा हूँ? बहुत तपस्या प्रार्थना आदि करने लगे। तब कामदेव कहने लगे, ये जब जब तुम्हारे मन में उनके साथ मिलने के लिए इच्छा होगी तब तुम्हारे पास आएगा, बाकी समय अनंग के रूप में अंगहीन होकर के रहेगा, मैं देखा नहीं पड़ेगा। इसलिए हम लोग मंत्र है अनंग प्रचोदया। वहां पर जड़ काम है कामदेव है, और हम लोग कहा जाता है अपराधित कामदेव कृष्ण कहा जाता है। समझ में आता है? जो काम गायत्री मंत्र जप करते हो, यहाँ पर दे तन्नो अनंग प्रचोदया है, वो अपराजित कामदेव। जिस प्रकार उस पर उसमें मैं इसलिए कह रहा था, राधा जी के स्नान आदि करा के बाद जब उनके गले में सुंदर एक पतली गोल्डन चेन को लगा दिया, और लगा करके सुसज्जित करके, और गोपियां इसके उदाहरण देते जा रहे हैं। जिस प्रकार शिव जी के प्रसन्न करने के लिए रति देवी शिव जी के, रति देवी मन कामदेव के पत्नी रति देवी, जिस प्रकार दूध के धारा के द्वारा शिव जी के अभिषेक किया हे श्रीमती राधिके, उसी प्रकार ये जो आपके जो गले में जो स्वर्ण जो चेन, माने क्या बोलते सोने की चेन, सोने की जो चेन है, ये मानो उसी प्रकार दूध की धारा के भांति प्रवाहित हो रहे हैं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। और बाकी अपने अपने समझते जाओ, सब कुछ बोलना नहीं है। तो कहने की बात यह है कि भगवान की ऐसी सुंदर अलंकार आदि जो है वो भगवान के अंग में रह करके सौभाग्य को सौभाग्यवती मानते हैं। तो हम इसलिए कह रहे हैं जो कृष्ण जब भयभीत होकर के आंखों के रगड़ने लगे, मसलने लगे है, तो ये गंगा जमुना के धार प्रवाहित हो रहे, आंखों से आंसू कहाँ आ गया है। कोई टीकाकार कहते हैं, मैंने साक्षात गंगा और जमुना है कृष्ण के आंखों में चक्षु में प्रवेश करके लीला आदि संपादन कर रहे हैं, तो आंखों से आंसू कहाँ से आ गया है। आंखों के आंसू सचमुच वो तो भाई वही रोग हो सकते हैं जिसके रिप्रेजेंटेशन हो, जिसके अनुभव हो है। और बाकी जो कहते दिखावटी कब तक रोते रहेगा, दो चार बूंद पड़ेगा ही तो उसका बंद हो जाता है, है? वो बिना आंसू के रोता है, बिना आंसू के कहाँ रहेगा। इसलिए कृष्णा देखा तो आंखों से आंसू नहीं, आंसू तो नहीं आ रहे, इसलिए जान बुझ करके रगड़ रहे हैं, है? दो विचार दे रहे, एक तो वास्तव रूप में कृष्ण सेवा के लिए गंगा जमुना मानो गोविंद के आंखों में प्रवेश करके ही प्रवाहित हो रहे, और दूसरी कहते हैं लोक लीला की आंखों तो आंसू नहीं है, कृष्ण जान बुझ करके आंखों के मसल रहे हैं, और ये नाटक कर रहे हैं जैसे बच्चे जैसे बोलते हैं, रोना तो आता ही नहीं है। क्यों? बालक जानते हैं जब मैं इसी प्रकार रोते रहूं तो माँ मुझे प्रहार नहीं करेगी, मरेगी, तथा भी माँ जसोदा के करने लगे, हे चोर बंदर बंधु तुमको मैं मारता। तो बालक भी बहुत चालाक होता है, बालक ने किया कि माँ जसोदा के बिल्कुल पैर के फेट में ही वो अपने को छुपा, बालक जानते हैं, बालक बहुत चालाक होता है, इसलिए माँ जसोदा के जो पैर के जो फेट है उसमें आकर के बालक ऐसे टेढ़ा होकर आगे जानते हैं माँ मुझे मरेगी है। ये भी एक प्रकार से लौकिक बालक के विसाधर बालक के भांति भयभीत होकर दिखा रहे,
जिससे हमारे आचार्य पाद कहते हैं इस संसार में सबसे भय वस्तु क्या चीज है? मृत्यु। और मृत्यु के देवता किसके भय करते हैं? कृष्ण। जद विवेति भयम्, जद विवेति, जिसके स्वयं मृत्यु देवता जिसके भय करते हैं, और वही स्वयं भगवान है, और मां यशोदा के डंडे से मार खाने से भयभीत होकर के मां यशोदा के पैर की तरफ फेंट में आकर के ऐसे दिखा रहे हैं। देखो ऐसी लीला कैसे, इसी के कहा जाता है भगवान के नरवत लीला का। ये लीला को देख करके कौन समझे कि कृष्ण भगवान है? हम जिन उस समय रहते हम कहते ये भगवान कैसे, भगवान है भगवान कैसे होगा बताओ है? जिनके भय से मृत्यु भी डरते रहते, जम जम भी जिससे भी है आकर के खड़े होकर के हाथ जोड़ कर नतमस्तक होते हैं। जब महाराज मृत्यु के उदित है और वही स्वयं भगवान मां के भय में भीत होकर के साधारण बालक की भांति कैसे हो, इसलिए कहते हैं रुदंत मूल नेत्र जुग्म मृजंतम पराम्भुज जुग्मेन सातम नेत्र। ओहो कृष्ण के उस समय जो सातंक भयभीत जो नेत्र, दोनों नेत्र वाले जो है वो भी अतिशय चमत्कारित रूप में दिखाई पड़ रहे। आज मनुष्य के सौंदर्य किसके ऊपर निर्भर करता है? दो वस्तु के ऊपर, एक आंखों के ऊपर, एक नाक के ऊपर। नाक यदि सुंदर हो देखने सुंदर लगेगा, और आंख यदि सुंदर हो है देखने सुंदर। इसलिए शास्त्र में आंख नाक अथवा आंखों की विशेष वैशिष्ट दिखाई है। जिनकी आंख बड़ी बड़ी हो, लंबी लंबी आंख हो, परमल के ऐसे सीधी काटने से जैसे होता है ना, बोले उसी प्रकार आंख हो तो देखने सुंदर। हिरण की आंख जैसे सुंदर होते है, जिसे कहा जाते क्या डबडेबा आंख, आंख उभरा हुआ हो। आंख यदि किसके उभरा हुआ, उभरा हुआ समझते कि नहीं, ऊपर की ओर उठी हुई, ऊपर की उठी हो, वो देखने में आंख सुंदर होता है। क्योंकि शास्त्र में भी कहा गया गोपियों की उसी प्रकार है, वो हम लोग झूला झूले दामोदर उसमें नहीं, राधा उसमें है ना, उसमें राधा उसमें नैन कैसे है, नहीं नहीं उसमें है ये वो राधा जी के आंखों के बारे में वर्णन हो रहा है। लास्ट टू लाइन्स की क्या बोल रहे हैं? नहीं राधे झूला झूले दाम झूला झूले राधा दामोदर वृंदावन, उसी जो है लास्ट में थे, वो कैसे है आंख ना उभरा हुआ है, उभरा हुआ माने आंख ऊपर की तरफ, आंख नीचे की तरफ है। हैं भई आंखी है, हैं अपंग छवि। उसमें जो लिखा है थोड़ा हिंदी देखो क्या लिखा है, वही आंखियां अपांग छवि भारी मन में राधे मुख और नयन शम के चकोर। हां इसमें लिखा है ना राधा मुख और नयन शम के चकोर, सखी 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 मन प्रेम डोल लगी चरण में। इसके आगे होगा ना वही जो आंख यदि उभरी क्या बोला है उभरा हुआ हो नहीं, थोड़ा आगे ऊपर होता है ना, किसी की आंख ऊपर होता है, किसकी आंख है देखो वो आंख जो ऊपर हुआ होता है देखने में सुंदर लगता है, सबका आंख तो अंदर में चला गया था सिर्फ हंस गया नहीं सोए नहीं है देखने में, जैसे हिरण की आंख देखे ना ऊपर उठा हुआ है, गाय के बछड़े की आंख की तरह, गाय के कुछ ऊपर होता है वो आंख देखने, और लंबी लंबी बड़े बड़े आंख होता है देखने में, आंखों के ऊपर निर्भर करता है उसके सौंदर्य
माधुर्य जगा। दो वस्तु होता है, एक नाक और एक आंख। नाक अपेक्षा जो है आंख की जो है जितने सुंदर होगा वो देखने को विष्णु शास्त्र में आंखों की जो है महिमा अधिक दिखा है। तुम्हारे कितने आईना में तुम देखो आरसी में देखो ये तुम्हारे आंख कैसे है, है? बड़ा है कि छोटा है, क्या आंख ही को निर्भर करता है। कहने की ये तात्पर्य है कृष्ण के ऐसे सुंदर ये सब एक एक रूप करके वर्णन करते जा रहे हैं ना। कृष्ण के इतने सुंदर आंख है, अच्छा समय तो हो गया। मुहुर बने बारंबार नेत्र युग्मम दुर्नदुके मृजंतम, एक हाथ एक साथ मसल रहे हैं। शतंक नेत्र उदिशा भयभीत दोनों नेत्र वाले, भयभीत नेत्र वाले किसको हर समय होता है? हिरण के होता है, इसलिए कहा जाता है हिरणाक्षी कहा जाता है। हिरण जब भी चलते थोड़ा सा कहीं विपद आशंका दिखाई पड़े उनके नेत्र ही उनको क्या कर देते हैं, सूचित कर इंगित कर देता है। डियर देयर आईज गिव द सिग्नल if any what is called signal of danger कहीं पर भय की कुआ जाता है उनके आंखों ही क्या कर देते हैं, इंगित दे देते हैं, इंडिकेट कर देते हैं, देते हैं। हिरण के भगवान ने हर जीवों में कोई ऐसे दे दिया, आप यूट्यूब में देखना कहीं भी देखना, शेर उसके कहीं पर आप देखो शेर उसके जा रहे हैं और उसके पहली जो है क्या बोले हिरण को आप ही संगीत कर देते कर देते हैं, ये कहीं ना कहीं उनके अशुभ संकेत आ रहे हैं। वो चैप्टर वैसे भयभीत करते कहां से आ रहे हैं, है? शेर उसके पकड़ने के धीरे धीरे चलते जाए है? और उसके वो आंख ही उसको जो है वो संकेत दे देते हैं, तो वो चारों तरफ देखते हैं ये किस तरफ है? वो संकेत आ रहे हैं, किस तरफ से आ रहे हैं और दौड़ना किस तरफ है? है देखा नहीं, देख यूट्यूब में देखना। शेर वो क्या बोले हिरण के आंख जो है संकेत दे देते हैं, देव की संकेत दे देते हैं। इसलिए कह रहे हैं सातंक कृष्ण भी उसी प्रकार लोक लीला के भांति उनके सातंक नेत्रम अति सर भयभीत दोनों नेत्र वाली है और मूर सासो कंप स्थिर रेखांक कंठ। और कृष्ण ऐसे जानबूझ करके भाई भी धोकर जानबूझ करके बार बार सांस भी ले रहे जिसके उसके पेट जो है अप डाउन हो रहे हैं। ये सब क्या है, कृष्ण की एक लीला मात्र है। इसलिए मूर सासो कंप स्थिर रेखांक कंठ और वो कृष्ण के उस समय जब कृष्ण जब ऐसे भयभीत होकर के सांस लेते थे और जब रो आ रहे हैं उस समय कृष्ण के गंडक माने गला जो है और एक शोभामान हो रहा है। वो क्या हो रहे हैं गले में ये स्त्री कंठ शंख के भांति ये दाग पड़े, देखने में वो सुंदर होता है।